एक लड़का कई सालों से लाइलाज कैंसर से जूझ रहा था। बीमारी के कारण वो अपना अधिकांश समय घर पर ही गुजारा करता था। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं घर में रहते रहते ऊब चुका हूँ, कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। माँ ने उसे बाहर जाने की अनुमति दे दी। वो बाहर निकला और आसपास की गलियों में घूमने लगा। घूमते घूमते वो एक सीडी स्टोर के सामने से गुजरा। वहाँ से गुजरते हुए उसकी नज़र सीडी स्टोर के अंदर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। उसे देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गया, उसके कदम ठिठक गए। कुछ देर तक वहीं खड़ा होकर वो उसे देखता रहा और फिर हिम्मत कर सीडी स्टोर के अंदर चला गया। स्टोर के विभिन्न शेल्फों का मुआयना करने के बाद वो उस लड़की की डेस्क पर पहुंचा और खड़ा हो गया। लड़की ने मुस्कुराते हुए पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ये दुनिया की सबसे खूबसूरत और प्यारी मुस्कान थी जो वो लड़का देख रहा था। हिचकिचाते हुए उसने जवाब दिया, हाँ, वो मुझे एक सीडी खरीदनी है। पास के शेल्फ से एक सीडी उठाकर उसने डेस्क पर रख दी। लड़की ने उसे उसकी कीमत बताई और पूछा, क्या इसे मैं एक पेपर में लपेट कर दे दूँ? लड़के ने हामी भर दी। लड़की दूसरी डेस्क पर चली गई और कुछ देर में कागज़ में लपेट कर सीडी वापस ले आई। लड़के ने पैसे दिए और वापस घर आ गया। उस दिन के बाद से वो हर रोज सीडी खरीदने के बहाने उस सीडी स्टोर में जाने लगा। वो बस उस लड़की की एक झलक देखना चाहता था, उससे कुछ देर बातें करना चाहता था। रोज़ वो एक सीडी खरीदता और वापस घर आकर उसे अपनी स्टडी टेबल पर रख देता। धीरे धीरे उस लड़की के प्रति उसकी चाहत बढ़ने लगी। वो अपने दिल की बात उससे कहना चाहता था, लेकिन शर्मीलेपन के कारण लफ्ज़ ज़ुबान पर आ ही नहीं पाते थे। माँ उसके दिल की बात भांप गई थी। पूछने पर सारी बात उसने अपनी माँ को बता दी। माँ ने उसे सलाह दी कि वो आज अपने दिल की बात उस लड़की से कह दे। लड़के ने बड़ी हिम्मत जुटाई और सीधे सीडी स्टोर पर पहुँचा, लेकिन लड़की के सामने पहुँच कर वो फिर से सहम गया। जब उसकी खरीदी हुई सीडी कागज़ में लपेटने के लिए लड़की दूसरी डेस्क पर गई, तब उसने जल्दी से एक कागज़ पे अपना फ़ोन नंबर लिख दिया। लड़की वापस आकर जब उसे सीडी देने लगी तो नज़र बचाकर उसने वो कागज़ उसकी डेस्क पर रख दिया, फिर तेज़ी से वहाँ से बाहर निकल गया। दूसरे दिन लड़का सीडी स्टोर में नहीं आया। लड़की को भी उसकी आदत हो गई थी। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब वो नहीं आया तो उसने उसके दिए हुए फ़ोन नंबर पर कॉल किया। कॉल लड़के की माँ ने रिसीव किया। कहानी अभी बाकी है। ऐसी ही और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लड़के के बारे में पूछने पर माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोली, पिछले शाम को वो चल बसा, उसे कैंसर था। सुनकर लड़की की आंखें डबडबा गईं। उसने तुरंत माँ से उनके घर का पता पूछा और वहाँ पहुँच गई। माँ उसे अपने बेटे के कमरे में लेकर गई। कमरे में उसने देखा कि उसके सीडी स्टोर से खरीदी हुई सारी सीरीज़ लड़के के स्टडी टेबल पर वैसी ही रखी हुई थी जैसी खरीदी गई थी। कोई भी सीडी खुली हुई नहीं थी। लड़की उस कमरे में बैठकर बहुत रोई। वो भी उस लड़के को चाहने लगी थी। अपने दिल की बात उस तक पहुंचाने के लिए वो रोज़ कागज़ में लपेटकर अपने लव लेटर्स उस सीडी में पैक करती थी जो उस लड़के ने कभी खोले ही नहीं।